नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहद खास संस्करण में फेस टू फेस #iffy2019। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो इस वक्त इफी पणजी गोवा में नहीं है और इफी के 50वें संस्करण का लुत्फ नहीं उठा पा रहे। इस वक्त आप हमें देख सकते हैं लाइव ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक चैनल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी क्योंकि इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है इस वक्त श्रीराम राघवन जी, मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आना तुम हम सभी जानते हैं, तो कोई मोहताज वाली बात नहीं, कोई परिचय की बात नहीं। आदिनाथ कोठारे इज अ मराठी एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, एंड वी हैव मनु अशोकन। इनकी मूवी उयारे इस वक्त धूम मचा रही है, और बहुत ही अच्छी खास बात है कि इफ़ी का एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम हर तरह की फिल्में देखते हैं, ऐसी फिल्में जहाँ पर भाषा को कोई बंधन नहीं है, किसी देश की कोई सीमा का बंधन नहीं है। तीन बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, हिंदी में काम करते हैं, मराठी, मलयालम। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि 50वां संस्करण है, सबसे पहला अनुभव इफी के 50वें संस्करण में आने का, अगर आपसे बात करें तो। आई एम रियली ऑनर्ड, इट्स माय फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर, एंड हियर आई एम विद सच एस्टीम्ड गेस्ट एंड सीनियर पर्सनालिटीज। आई एम लाइक अ बेबी इन अ टॉय स्टोर राइट नाउ हियर, बट इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। आई हैड सम इंटरेस्टिंग सेशंस। By the way, I have to introduce myself. I have directed a film called Pani, which is a true story based in the Marathwada of Maharashtra. It's about a common man called Hanuman Kendriya, how he saved his village from the water crisis, and in turn, he saved his wedding. It's a true story, and we've been working on it for the past 4.5 years. True. We are due for release next year, and we have just got the National Award for Best Film on Environment Conservation. So, it's quite a boost. It's quite a boost to our confidence, and it's a great. It's like a pat on the back, and so. Fingers crossed, we're hoping to take it ahead from here. बिल्कुल, जो हम बात 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 करते हैं कि जो सिनेमा है जो आज सिर्फ एक स्वस्थ मनोरंजन नहीं देता, बल्कि आजकल जो सिनेमा है वो एक सशक्त संदेश के साथ सामने आ रहा है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब युवा निर्देशक इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और बात करते हैं। श्रीराम सर, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इफ़ी के बारे में। आप इफ़ी के मंच पर आए, यहाँ पर फिल्म देख रहे हैं, स्क्रीनिंग अंधाधुंध को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, काफ़ी वाहवाही बटोर रही, लेकिन जब यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही, किस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है? मैम, मुझे तो मतलब आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर, बिकॉज नंबर वन इज द 50th ईयर, एंड आई लाइक टू अटेंड एज मेनी फेस्टिवल्स आई कैन। हालांकि मैं आई कुडंट सी एज मेनी फिल्म्स एज आई वुड लाइक टू, बट ठीक है, आई एम स्टिल हैप्पी टू बी हियर, मीट सो मेनी पीपल एंड सो ऑन, सो इट्स ग्रेट फन। मनु, आपसे जानना चाहेंगे आपको किस तरह से अनुभव है उयारे वो मूवी है जो कि इस बार 50वें संस्करण में बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म फॉर अ डायरेक्टर के लिए भी नॉमिनेट की गई है, सो फिंगर क्रॉस्ड अगर आपको पुरस्कार मिलता है। लेकिन इफी में अनुभव और साथ ही साथ अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा। नहीं, मैं भी पहले बार हूँ इफी पे, और केरला में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है, मैं हर ईयर जा रहा था, लेकिन IFFI गोवा फर्स्ट टाइम है, और really proud to be with my movie and competing. Mm-hmm. Not finger crossed, but this is just bonus giving to my my confidence and all. Mm-hmm. It was a hit in commercially, it was a got good acceptance in Kerala, and mm-hmm. I don't know what is going to happen. But really really excited to be here. Okay, aapki film ke bare mein bataiye ki फिक्शन है लेकिन उस मुद्दे को उजागर करती है। फिक्शन है मतलब कैरेक्टर्स जो है वो हमारा सराउंडिंग्स हमको मतलब वी नो देम, सो वी टुक सम इंसिडेंट्स, सम ट्रू इवेंट्स, नॉट इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर, बट टू द कैरेक्टर साइड वी एडेड सम फ्लेवर्स ऑफ ओके बीइंग्स वी नो, दैट्स अबाउट उयारे, एंड it is a survival inspiration movie in a conventional way storytelling, but the matter, the content was such strong, as Kerala was really apart from such domestic violences like acid attack and all, but after we started working on it, the number of it started to increase, and we had a fear, and we want to share that fear to the common people. That was what we tried not to do or react. It's not the way to react in a relationship or whatever it is. Mm-hmm. We try to make them good human being. That's our thing to tell. चलिए उम्मीद करते हैं कि एक ऐसे अटैक विक्टिम की कहानी कहती हुई आ रही है, और उम्मीद यही कि फिल्म देखकर शायद दर्शक कुछ सोचें और इस मुद्दे के बारे में गंभीरता से रहें। हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं इस वक्त इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। दीक्षा इंस्टाग्राम पर पूछना चाहती हैं आदिनाथ से कि आपकी पहली जो डायरेक्टर मूवी है वो आपने वाटर कंजर्वेशन पे की है, तो इस तरह का टॉपिक आपने क्यों चुना और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी थी, और आई वाज लुकिंग फॉर अ स्टोरी
and I decided I need to pick a story which is really close to my heart, a story I want to tell really from the bottom of my heart. And I think the water crisis is an issue that needs to be addressed, and I started doing research on that. The reason I chose the subject of water is because I think we coming from metros, we don't really gauge the gravity of the problem, which is a global crisis today. मतलब हम शहरों में बैठे हुए लड़कों को, मेरे उम्र के लड़कों को भी, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 80% लोगों को पता नहीं रहेगा कि उनके घर का पानी कहाँ से आता है. मतलब मुंबई में ask anyone random person on the road, do you know where the water is coming from in your tap? Do you know where Baitarna Lake is? Do you know where Tansa Lake is? They won't know, and it's a sad reality. And I think the gravity of this problem, of this crisis, needs to be addressed. So I started doing research on the subject of water, and I stumbled upon a story of this common man, which was a very motivating story, an inspiring story, and I felt if something like this can happen in a small village done by a common man like Hanuman Kendre, I think if we put our heart to it, I think we can do wonders. And I went there, I did research, I took my brother writer on board, and we started developing the project. It took us around 3 years to develop the project, and then another year to find a producer. And now finally the film is ready. It has got such beautiful accolades, and we are looking forward to come to the theaters next year. All the best. Thank you, sir. Thank you. Sriram sir, Pariksha aapse puchna chahti hai, what keeps you motivated and creative while directing such varied genres of movies? Lagta hai ki film mein itna suspense, thriller, itna aap jo banate hain, kis tarah se aap ki jo gaadi hai wo aage badhti rehti hai? Mujhe matlab somehow I am little partial towards thrillers as a genre. I'm a big fan of Alfred Hitchcock and Vijay Anand and such kind of filmmakers. So, what keeps me motivated is just the fact that in a thriller, within the genre, you can do all kinds of movies, you know, I mean, so many things you can see. Like, all the films I have done so far are all different in terms of the theme or the story and so on. So, that's enough to keep you motivated, and the last one has got too much love, I don't know what to do with it. Manu, aapse jaanna chahte hain ki aapne Tamil, Hindi or Malayalam, sabhi languages mein you have made films. So is there any plan on board to move on, to move your direction to Hindi cinema or Bollywood? No, actually that's a wrong thing. I did only Malayalam movie as director, but I worked in Tamil and... you have worked in Tamil and... Yeah, but Hindi also I worked, but it was a remake of Traffic with Manoj Bajpayee and all. And no, I'm not planning to do direction in Hindi, I don't know what. In future, I don't know what will happen, but... I like to stick on Malayalam. Okay. यहाँ पर एक सवाल आया है गौरव का. All the three guests have entirely different genres and creative take to their movies. What has been their take? What is their take on films in present scenario for Indian cinema? अगर इस वक्त हम बात करें भारतीय सिनेमा के जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि you made entirely different movie जिसके लिए बॉलीवुड जाना चाहता है, जिसके लिए जो मसाला फिल्म्स कहते हैं. So what is your take on the present scenario which is happening in Indian cinema? I think the audience has come of age. I think the audience has been exposed to over a period of time to such global content today. I think there are my friends who used to not even watch films regularly, today are watching Spanish content and Russian content with subtitles. So I think that language barrier, even storytelling, people have become more open to different forms of storytelling. And I think there is, if it's a good story and if it's a genuine story that somebody wants to tell, I think it will reach out and it can become, I think there is no such thing as commercial or a good story has the potential to be a commercial film if I think projected well and promoted well. So absolutely, but I just, the only thing I disagree with him is I think even earlier 10 years back or 20 years back, 30 years back, there were films which were small and terrific films which may not have got the kind of release and kind of a thing, you know, because of the cinemas, the way it was and all that. Today you have got a chance to make a certain kind of movie and still get an audience. Yeah. And if not the audience in the theater, at least it's got a later life on OTT and so on. True. So there is so much more exposure. Otherwise, there are films. I mean, all through. I mean, there have been so. You can't blame the audiences. We have to blame ourselves if we make not true, so true, good very films. True. Yeah. Very true. Theaters के अलावा बाकी माध्यम भी हैं जिनके जरिए आप पहुंच सकते हैं, अपनी फिल्म को आगे पहुंचा सकते हैं. Manu, have any? Actually. Content is the main thing. In our industry, it was like hero-oriented movies or exaggerations were there. But now, it thoda badalne lagta hai. Matlab, character detailing hai, ek chota
मतलब थॉट को बहुत डिटेल करके बना के 24 डेब्यू डायरेक्टर्स हैज कम आउट दिस ईयर इन माय इंडस्ट्री. सो दे आर एक्सपेरिमेंटिंग मोर टाइप्स ऑफ मूवीज एंड स्टोरीज. बट इन पैरेलल मूवीज आल्सो देयर आर सो मेनी स्ट्रांग पॉलिटिकल एंड राइट या serious movies are coming, but they don't get a good platform to show it. Theaters won't, they are chasing only business, no, not the genuine thing and all. So the both things are going on. Content is strong in parallel cinema also, in commercial cinema also. The audience needs, they know what they are supposed to watch. They are clearly criticizing and clearly aware of what they are going to see. We can't, in Malayalam, especially in Malayalam, we can't go with a star and we can tell anything. We can't make them fools. They won't let it happen. That's a good thing that's happened. You know? I mean, I think they were too much exposure to that. So now, since there is choice, they prefer to come and watch what they feel like, what they have heard of. And also, within the first Friday or Saturday, you know what the movie is about from other people. So you will not waste your time on the wrong movie. Exactly. Okay. Rahul on Instagram, this is for you, Manu. Your film focuses on word survivor. It talks about toxic relationships. So what's your take on touching such a sensitive topic through your film? Toxic relationship, that is what I said earlier. Ki ye jo mera Uyare ka lead artist, matlab character hai, Govind, wo humko sab, we can see him in our neighborhood, in our society, because there are so many toxic relationships, and the climax is very dangerous, like acid. Actually, 2 weeks before, one guy went to his girlfriend's house and called her out and poured petrol and lightened her up, and he also committed suicide. Yeah. These things are happening. So I don't know why he has his own this thing about what he did. I think wo jo kiya hai wo acha, matlab जो मैंने किया है वो राइट है, ऐसा सोच रहे हैं. तो ये मूवी देख के बहुत सारा कॉल मुझे मिला. उसमें 60% बॉयज बोल रहे हैं कि पहला मेरा एक गर्लफ्रेंड था, मैं उसी के साथ ऐसा किया था, एसिड पोरने का वो ये मेरे को नहीं था, इसलिए वो मैंने किया, बाकी सब मैं भी किया था. अभी सोच रहे वो जो किया है गलती था. ऐसा एक 60% है, वो है मेरा मेन अवार्ड. मतलब अगर कुछ छोटा छोटा चेंज हो तो वही होता है. बिल्कुल, कई बार कहते हैं कि सिनेमा हमारे समाज की वास्तविकता को दिखाता है और उसको बदल सकने का माध्यम बने सिनेमा, तो वाकई बहुत बेहतरीन होगा. थोड़ा सा गंभीर हो गई यहाँ पे बातचीत, तो इसलिए एक अच्छा सवाल श्रीराम आपके लिए. व्हाट हैज बीन द फनीएस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ अंधाधुन? आपको जो इतने सारे मीम्स मिलते हैं इंटरनेट पे, इतना रहा, सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद? नहीं, एक्चुअली आई मीन द फिल्म वाज डिजाइंड सच कि देयर आर टू और थ्री पॉसिबल एंडिंग्स, ऑल थ्री कुड हैव बीन कैन हैपन. बट द फनीएस्ट रिस्पॉन्स आई गॉट इज समबडी सेड कि अच्छा उसको आंख मिल गया, और किसका आंख मिला? वो खरगोश का आंख मिला. ये खास से खरगोश पहले से अंधा है, तो दैट इज द फनीएस्ट. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. गुड, एक और. बट ऐसा आपने सोचा क्योंकि तीन एंडिंग्स होंगी? हम वैसे भी रीड इन मैगजीन्स की कोई लीड एक्टर है, उनको एंडिंग पसंद नहीं आया तो डायरेक्टर ने कहा कि दो एंडिंग रख देंगे, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट आपने ऐसा क्यों सोचा कि अंधाधुन में हम ऐसा कुछ रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि दर्शकों पे छोड़ सकते हैं? नहीं, क्या हुआ? वो एक थोड़ा रिस्की चीज था, लेकिन आई वॉज प्रीटी कन्विंस एंड माई टीम वॉज कन्विंस कि इट्स वर्थ टेकिंग दैट रिस्क. लेकिन क्या होता है ना ऐसी फिल्मों में, मतलब क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ अ फन फिल्म, इट्स नॉट लाइक एनी ग्रेट ऐसा मैसेज टाइप का फिल्म नहीं है, इट्स नॉट अ यू नो. बट उस फिल्म में अगर अंत में इफ ही इज कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड वी टेल द ऑडियंस ही इज ब्लाइंड नथिंग, ही इज लाइक, तो लगेगा कि क्यों देखा मैंने इतना, मतलब इतना लाइट, उसने क्या किया कि उसको इतनी बड़ी सजा मिले. एंड इफ ही इज गॉट हिज आईज बैक सडनली, वो भी लगता है कि अरे इसने क्यों देखा मैंने अगेन, यू नो. सो आई फेल्ट बोथ द एनी आंसर व्हिच डिफाइंस इट विल रिड्यूस इट, यू नो. सो आई जस्ट थॉट कि इट्स बेटर टू लीव इट टू द व्यूअर. हम चाहते थे कि मतलब दो लोग अगर फिल्म देखने गए तो एक बोलेगा ये और एक दूसरा बोलेगा वो, तो दैट हम लोग वी वर होपिंग फॉर दैट, बट वी गॉट दैट इन अ लार्ज स्केल, सो दैट वाज गुड फॉर अस. एक सवाल आपके लिए और आया कि अल्फ्रेड हिचकॉक की मूवीज अभी इफी में स्ट्रीम की जा रही हैं, आपको मौका मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं. नहीं, मैं देखना चाहता था. एक फिल्म ब्लैकमेल उनकी रिलीज हुई, कल दिखाया गया था यहाँ पे, और वो साइलेंट, इट वाज हिचकॉक साइलेंट फिल्म, तो जिसमें उन्होंने मतलब लाइव म्यूजिक के साथ यहाँ पे दिखा रहे थे. हाँ, राइट, या सो दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन समहाउ टाइमिंग ऐसा था कि आई कुडंट गो फॉर इट, बट आई होप इट कम्स टू बॉम्बे एंड ट्रैवल्स अ लिटिल बिट. बट
हाँ मैंने अभी तक देखी नहीं वो फिल्म, लेकिन मैंने ब्लैकमेल तो कई बार देखी उस फिल्म को देखी है मैंने, लेकिन आई हैव नॉट सीन इट दिस मैनर। दैट्स वन ऑफ योर फेवरेट मूवीज। Well, Hitchcock has made 55 films, so there are many favorites. Mm-hmm. But this is, I mean, it is one of his early movies, and before, the, I mean, this is when he was in UK. And after seeing 3-4 movies like this, that's when he got the chance to go to America and so on, mm-hmm. Hollywood. Okay, Adinath, aapke liye question hai. You're working, this Pani is a production movie by Priyanka Chopra. Yeah. So how was it working with Priyanka Chopra? Oh, it was, I feel really lucky for a first time director, and it was quite a big challenge which I was about to, quite an adventure which I was about, which I had set on, because I was planning to direct and act in the film, and to find a producer on with such an ambitious project where I'm doing a pretty unconventional story, where it's in the heartlands, it's a true story, and it's we tried to be as honest as we could to the real story which has happened. We of course you have to fictionalize, you need to dramatize a little bit, but we've tried to be as honest as possible. But we didn't feel like fictionalizing too much, because in itself what has happened was so dramatic. Mm-hmm. That man, he almost lost his life doing what he did. And as they say, reality is stranger than fiction. It's, mm-hmm. it's like that. But anyways, but yeah, finding a producer was a challenge. And I was, my priority was to direct the film. I was like, okay, fine. If I find a producer who says, keep bhai tu acting direction dono karega matlab tu ek kaam koi kar le. So I was prepared for that, but I've met Rashmi Kulkarni, who's the creative producer, and she heard the script, she loved it, and in fact she was the one who suggested me, why, so are you playing the lead? So I'm like, yeah, I want to, because, but the reason I felt like playing the lead was because I was working on it for three and a half years. Mm-hmm. I was so much into that film, that language, that mm-hmm. character. I was meeting Hanuman Kani, I was almost living with him. So I felt the best person who could do justice would be me. And yeah, and luckily it all just fell in place, and I found Priyanka Chopra as a producer. And yes, she's an amazing producer to work with, because for a first time director like me, the kind of freedom they have given me, the kind of trust they have showed in me was priceless, and I really fortunate for that. But थोड़ा जल्दी आपका ये decision रहा कि मतलब बतौर actor आप अच्छा काम कर रहे हैं और अभी निर्देशन। I always wanted to be a director. Acting is something that happened on the way actually. But yeah, both are equally, I think, it's about being part of good projects. It's just like to be. I think it's about art here. और बहुत ही आपका ये आप तीनों ने बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण फिल्में की हैं, काफी अच्छा काम ही मिल रहा है. अब आगे की क्या तैयारी होगी? मतलब इतना अच्छा फिल्म बनाने के बाद अब अगला प्रोजेक्ट और भी बेहतर होना चाहिए. Well, there are ideas in the head, but right now my focus is on releasing Pani now, because I think that baby, until it is delivered, I think it's difficult to move on. So I think I'm looking forward to the release next year early, but yes, there are definitely other things in the pipeline. Sriram sir, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप वरुण धवन को वॉर हीरो में तब्दील कर देंगे? मतलब अभी मेरा स्क्रिप्ट अभी लगभग खत्म हो गया है, तो साथ में प्रेप वगैरह चल रहा है, तो कैसे करेंगे वो मैं भी, मतलब अभी चल रहा है काम, तो इट्स मतलब मेरे लिए ये फिल्म मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इट वॉज अ सब्जेक्ट, समथिंग अबाउट इट अट्रैक्टेड मी, इट वॉज अ रिस्क फॉर मी, नॉट रिस्क, एक्चुअली आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस कम्फर्ट जोन ऑफ थ्रिलर्स, सो लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. फिक्शन आल्सो, दिस इज अ रियल लाइफ. दिस इज रियल लाइफ, बट रियल लाइफ डजंट स्केयर मी, इट्स एक्चुअली, आई मीन, फार बेटर एक्चुअली, बिकॉज आई मीन, यू नो, रियल लाइफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट ऑन रियल लाइफ सब्जेक्ट, आई हैव डन वन अर्लियर, not a biopic you would say, but a kind of a docudrama on Raman Raghav with Raghuveer Yadav. So real life mein so many things, you know, how do you cinematically show that thing is the main thing, you know, you can't change facts, and I somehow don't even like fictionalizing a little bit, because utra lagta hai ki, you know, this is a true story, you can read about it on the net, mm-hmm. and everything. Now you have to not read, you have to experience it. Let's see, mm-hmm. abhi agle saal is time malum padega. बनु आप बताइए, आपको लेकर हर जगह की तापसी बनु में इस फिल्म के रीमेक में नजर आएंगे, लेकिन नो, नॉट इन मी, एंड प्लानिंग द नेक्स्ट विद माय सेम राइटर्स ऑफ उयरे, एंड दे आर बिजी विद सम अदर प्रोजेक्ट्स, एंड वी जस्ट लैंडेड ऑन अ थॉट एंड डेवलपिंग इट. आई थिंक हार्ड हिटिंग लाइक उयरे? नो, एक्चुअली इट हैज बिकम अ वेरी स्ट्रांग रिस्पांसिबिलिटी टू मेक द नेक्स्ट मूवी, बिकॉज़ उयरे वाज क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड सो मेनी पीपल वर टॉकिंग अबाउट, सो आई वांट टू be above that. That's my main tension and thing. Priyadarshan sir told me yesterday, first movie is okay, second movie is the worst thing you are going to face. So that's what I am trying to. I aur behtar karne ki koshish hai tino hi directors ki. Isi ke saath face to face ifi 2019 ke aaj ke is session mein itna hi. Aap is waqt dekh rahe hain
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लाइव यूट्यूब सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल पर, और साथ ही साथ इसका श्रेय जा सकता है न्यू मीडिया विंग को भी, जिसके सौजन्य से इस वक्त आप ये खास सेशन देख रहे हैं। बहुत जल्द लौटेंगे एक और बहुत ही स्पेशल ब्रॉडकास्ट के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। Thank you. Thank you so Thank much. Thank you. Wow. So it was such an honor sitting next to you.